जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहीद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सदर अवामी प्रेस क्लब और ये सदर हैं लाहौर के वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भी, और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब और ये सीनियर नायब सदर हैं वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर के। तो आइए इनसे जानते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में इनके क्या ख्याल हैं। जी पहले बात करते हैं मोहम्मद इशफाक भट्टी साहब से। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इशफाक भट्टी साहब, जो ये मौजूदा सूरत हाल चल रही है हमारे, जो ये इन्होंने शुरू कर दिया है ओपोजिशन ने, जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इनकी हिकमत अमली ठीक है पाकिस्तान की आबादी के लिए, पाकिस्तान की माशियत के लिए ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका फराहम किया मुझे बोलने का। और जो मौजूदा कंडीशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके हवाले से जो आपने पूछा है, मैं इंतहाई मशहूर हूँ आपके चैनल का भी और आपका भी। जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में बनी हुई है, जिस तरह के एक सियासी रस्साकशी की सूरत हाल है, बदअमनी भी है, बद इंतज़ामी भी है, बेरोज़गारी भी है, नाइंसाफ़ी भी है, ये हम पिछले दौर में देखा करते थे। 90 की दहाई में भी ऐसी सूरत हाल हुई थी, आज फिर वही सूरत हाल है। तो हम अपने सियासतदानों को यही कह सकते हैं कि आप को खुदा का खौफ करें, आप मुल्क को, मुल्क पाकिस्तान को, वतन अजीज़ को पीछे की तरफ ना धके लें, इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाएं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर जाहिर है हमारा भी कोई रहने का जवाब नहीं बनता। तो आप सिर्फ सिर्फ गुर्बत और महंगाई को ही ख़त्म कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। और मैं दुआगो हूँ पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, जिन्होंने इस कोई जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया पाकिस्तान के ऊपर और उन्होंने अपनी जान की नजराने देकर इस वतन की हिफाजत की। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इधर मौजूद हैं मियां मोहम्मद इशफाक साहब, हम इनसे जानते हैं कि मियां साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा मियां साहब, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, इन्होंने इनकी सीनियर क्यादत तो मेरा हाल किसी धरने में नहीं होती, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मैंने नहीं देखा किसी भी जलसे में या किसी धरने में गए हों, तो ये जूनियर क्यादत को आगे करके ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपको, ये ठीक कर रहे हैं? और इनका जो हिकमत अमली है वो क्या हो सकती है? ये जो इनकी हिकमत अमली है, मेरे लिहाज से ये कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन और हुकूमत बैठ के मामला तय कर सकते हैं वो ऐसे नहीं हो सकता। अब देखें, खान साहब हैं, उनको भी चाहिए कि इनके साथ जो मामला हैं इनके बैठ के उनकी बात सुने और ये भी अपनी बात सुनाएं, जो जायज़ बात है वो गिले शिकवे दूर करके अगर ये मिलके, यानी खान साहब और अपोजिशन मिलके मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। जी तो अशफाक भट्टी साहब, मियां अशफाक साहब ने कहा कि मिल के काम करना चाहिए इनको, ओपोजिशन को और गवर्नमेंट को, क्या आपके ख्याल में जो ढाई साल हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो नई हुकूमत बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या आप समझते हैं ओपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के कोई ऐसा काम कर सकती है या किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मियाँ साहब ने, जाहिर है कि हमारे मुल्क की बेहतरी तो यही है कि मिलकर काम किया जाए, वो चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमें तो जाहिर है कि हमारे मुल्क की बेहतरी चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि एक टेबल में बैठकर और मुल्क की बेहतरी के लिए सर जोड़कर बैठे जहां तक भी हो सकता है। इस वक्त देखें हमारे अंदरूनी हालात और बैरूनी हालात, इंडिया ने एक जंग छेड़ रखी है कश्मीर पर, उसका कितने अरसा से गाजबाना कब्जा है, और हमारे बैरूनी ममालिक जो है वो पाकिस्तान के जो उनका करदार रहा है पाकिस्तान के, जो दुश्मनान पाकिस्तान है उनका जो करदार रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर, वो कोई डका छुपा नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि एक मुल्क में एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की जाए जिससे एक बैन-उल-अक़वामी सतह पर एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन तशख़्स जो ना वो उभर कर सामने आए। बाकी जो सूरत हाल सियासी वो तो मामला चलते रहते हैं, लेकिन मुल्की लेवल पर एक यकजहती का मुजहरा होना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो धरने हो रहे हैं, ये जलसे हो रहे हैं,
ये कुर्सी के लिए हो रहे हैं या पाकिस्तानी अवाम के लिए हो रहे हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है कि उस मुल्क में बेरोज़गारी भी है और गुर्बत भी है और महंगाई की जो सूरत हाल है वो भी ज़ाहिर है आपके सामने है, और बाकी जो है वो तो एक करप्शन के इनके केसेस है वो ज़ाहिर है, वो अदारों को चलने दें। मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इनके करप्शन के ऊपर केसेस है वो अदारे जाने, ये जाने। आप सिर्फ मौजूदा जो महंगाई है, जो मुल्क की जो सूरत हाल है, आप अपना फोकस उस पर करें, बाकी जो केसेस वगैरह है वो रहने दें आप, वो अदारे जाने, ये जाने। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो महंगाई है, महंगाई को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और ख़ास करके लाकानूनीत जो है इसका सदेबाब किया जाए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो ना एक यकजहती की ज़रूरत है मुल्क की। जी तो मियाँ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कल शायद आपने भी देखा होगा कि सफदर को जो सीनियर रहनुमा हैं, हस्बैंड हैं मरियम नवाज़ के, उनको गिरफ़्तार कर लिया था सिंध गवर्नमेंट में सिर्फ इस जुर्म पे कि उन्होंने उधर नारे लगाए थे। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को ऐसी नाजुक सूरत हाल पे इस तरह की हिकमत अमली करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा गलत काम किया। देखें, इकरारुल हसन का प्रोग्राम है, आप चेक कर लें, उसने बताया कि 2-2.5 हज़ार रुपया लेके जो वहाँ पे अहलकार हैं वो लड़की और लड़की को वहाँ डेट करवाते हैं, ये ज़्यादा जुर्म है या नारे लगाना ज़्यादा जुर्म है? अब देखें, जब इमरान खान ने धरना दिया था तो नवाज शरीफ अपना काम कर रहा था, वो कर रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आज हमने ये इफ्तिताह कर दिया, बजाय कि जो ये धरने में बोलते थे इनके धरने को वो फोकस ही नहीं करते थे, इनके धरने के ऊपर कोई भी लीडर जो है इनका कोई बात ही नहीं इतनी करता था। अब ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ जो वजीर हैं पीटीआई के और पीटीआई गवर्नमेंट है, उनको सिर्फ ऑपोजिशन को जवाब ही देने, बस काम कोई नहीं करना। टीवी पे आके एक सिर्फ उन्होंने सारे दिन में एक इंटरव्यू देना है कि उनके खिलाफ दिया, बाकी सारा दिन काम ही कोई नहीं उनको। जी बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैसेज दिया कि अपोजिशन को अपना काम करने दें, खुदारा आप अपना काम करें और पाकिस्तानी अवाम का ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया।